हेलो एवरीवन, वेरी गुड गुड इवनिंग। दिस इज शिशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो राधे राधे, नमस्कार, मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो दोस्तों, इस वीडियो में सीटेट, जो अपकमिंग सीटेट है 2024 अगस्त में, जो जुलाई अगस्त में जिसका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, उसके बारे में जो नए नियम आए हैं उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। जो बिगिनर्स हैं, जो अभी सीटेट के बारे में कुछ भी नहीं जानते, उनके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है ये वीडियो, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सीटेट के लिए कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं एनईपी 2020 के थ्रू, तो उसी पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अपकमिंग सीटेट है होने वाला है वो होगा जुलाई अगस्त में, और बाकी आप लोगों ने अभी जो रिसेंटली हुआ था उसके रिजल्ट को देखा होगा कि रिजल्ट इतना कम लोगों का आ रहा है, तो इसीलिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। अब पहले की तरह सीटेट आसान नहीं रहा, और पूरी कोशिश करिए कि ये जो अपकमिंग सीटेट है इसको हम पूरा क्रैक कर लें। तो पूरा आप इसकी प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। मैं पूरी पेडागॉजी, स्पेशल पेडागॉजी जो होती है, आपको ऐसा कराऊंगा कि आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो पूरी प्रिपरेशन कराऊंगा मैं। तो बात कर लेते हैं अब दूसरी चीज़ की, जो नए नियम हैं सीटेट के क्या होने वाले हैं। तो पहले जो क्या होता था कि सीटेट पेपर वन और पेपर टू, दो पेपर होते थे। पेपर वन होता था पीआरटी वालों के लिए, प्राइमरी, जो कक्षा एक से पाँच तक के लिए टीचर बनते थे और जो डीएलएड या डिप्लोमा करे रहते हैं। वहीं पेपर टू होता है जो बीएड वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जो सीटेट पेपर टू के लिए एग्ज़ाम देते हैं। तो जो बीएड किए रहते हैं तो वो लोग सीटेट वाला जो पेपर टू है उसको देते थे। तो एनईपी 2020 के थ्रू अब आपको जो नया है, इसका आएगा अभी जल्दी अपडेशन, इसका आ जाएगा, आपको मिलेगा कि इसके थ्रू अब क्या होगा कि पेपर थ्री भी होगा। तो पेपर वन 1 to 5 के लिए होता था, पेपर टू 6 to 8 के लिए होता था, अब पेपर थ्री, इसमें पेपर थ्री भी इंक्लूड हो जाएगा, जो कि 9 to 12 के लिए होगा। तो यही है नया, मतलब जो चीज़ें एनईपी 2020 के थ्रू अपडेट हो रही हैं। तो अब टीचर बनना बहुत आसान नहीं होगा, चीज़ें हैं। तो ये हो गया। और अब एग्ज़ाम की बात बता दूं आपको कि जो इस बार वाला एग्ज़ाम है वो तो ऑफलाइन होगा आपका, तो इसीलिए पूरी मेहनत करिएगा कि जो जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम होगा आप उसको क्रैक कर लीजिए, क्योंकि 2025 वाले जो सीटेट होंगे वो ऑनलाइन हो जाएंगे पूरी तरह से। मैं अभी से बता दे रहा हूँ क्योंकि चीज़ें अपडेट होंगी और पूरा ऑनलाइन होगा आपका एग्ज़ाम। तो अभी ऑफलाइन है, अच्छा मौका है, प्रिपरेशन अभी से करेंगे तब जाके आप अच्छे मार्क्स गेन पर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं गेन कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब नोटिफिकेशन आपको कब देखने को मिल सकता है, अगर एग्ज़ाम जुलाई अगस्त में होगा तो आपको जो है अप्रैल में आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप फॉर्म फिल कर पाएंगे आसानी से सीटेट 24 अगस्त का, ठीक है, जो कि अगस्त, जुलाई अगस्त में इसके एग्ज़ाम होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बता दूँ कि आपको कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, आप कैसे क्लासेस मिल जाएंगे आपको, इस पर पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, दो सीटेट दो तरीके से होता है, पेपर वन होता है और पेपर टू होता है, ठीक। पहली चीज़ पेपर वन और पेपर टू होता है अभी तक जो होता आया है, और पेपर वन पीआरटी वाले देते हैं 1 to 5 के लिए। तो जो अब डीएलएड किए रहते हैं, अपियरिंग में रहते हैं, वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। बस आपको ओबीसी वाले 82 मार्क्स पाने होते हैं, जनरल को 90 मार्क्स पाने होते हैं 150 में से। तो पेपर 150 नंबर का होता है, 5 सेक्शन होते हैं इसमें। पेपर वन के लिए जो प्राइमरी के लिए जाते हैं, सीडीपी होता है, मैथ होता है जिसको हम लैंग्वेज वन भी बोलते हैं, और एक लैंग्वेज टू होता है, हिंदी इंग्लिश होती है, और ईवीएस होता है। तो 5 सब्जेक्ट 30-30 मार्क्स के एक सब्जेक्ट होते हैं, तो 150 नंबर का पेपर होता है हमारा, 150 क्वेश्चन होते हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये पेपर वन का हो गया। तो जो बिगिनर हैं बिल्कुल बहुत आराम से सुन लीजिए, आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। अब बता लो पेपर टू की बात कर लूँ, तो पेपर टू में मैं आपको कहूँ कि जो बीएड स्टूडेंट किए रहते हैं उनके लिए होता है पेपर टू। तो अगर आपने बीएड किया है तो ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके लिए है। तो पेपर टू दो होता है, तो इसमें क्या आता है कि जो बीएससी किए रहते हैं, साइंस और मैथ से बीएससी अगर आपने किया है तो आप उसमें क्या ले सकते हैं, आप साइंस और मैथ ले सकते हैं, आपको ऑप्ट करना पड़ता है। अगर आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, तो आप पेपर टू में सोशल साइंस, जो कि एसएसटी, आप ले सकते हो। ये चीज़ क्लियर हो गया कि अगर आपने बीएससी किया है, मैथ से साइंस से किया है, तो आपको क्या ऑप्ट करना चाहिए, आपको मैथ या साइंस ऑप्ट करना चाहिए। अगर आपने बीकॉम बीए किया हुआ है तो आपको पेपर टू का एसएसटी, सोशल साइंस जिसको कहते हैं, वो आप ऑप्ट करेंगे। ये चीज़ हो गई।
अब सीटेट क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मैंने पहले ही बता दिया। जनरल आपको 95 मार्क्स आपको क्वालिफाई करना होता है, 150 में से 90 मार्क्स पाने होते हैं। ओबीसी को 82% मार्क्स पाने होते हैं, 82 मार्क्स पाने होते हैं 150 में से। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि कम से कम जो किसी भी कैटेगरी को हो आप 90+ मार्क्स लेके आइए सीटेट में। ये चीज़ें हो गई। अब 150 मार्क्स का होता है पेपर टू भी, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें भी। साइंस मैथ वाले, अगर आप साइंस मैथ ले रहे हैं तो भी आपका 150 नंबर का पेपर होगा, और आप अगर SST ले रहे हैं तो भी आपका 150 नंबर का पेपर होगा। लगभग हर साल इसमें 10 से 12 लाख बच्चे फॉर्म फिल करते हैं और रिजल्ट बहुत कम आता है। अभी पेपर टू का मैं रिसेंटली बात करूँ तो 1 से 2 लाख स्टूडेंट्स ही पास हो पाए हैं, और बाकी 3 से 4 लाख जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 1 नंबर 2 नंबर से रुके हैं। तो इसीलिए बहुत मेहनत करनी होगी सीटेट के लिए, और अभी से जो करेंगे प्रिपरेशन वही अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। ठीक है। और पेपर टू भी, अगर मैं साइंस और मैथ की बात करूँ, अगर आप ऑप्ट साइंस मैथ कर रहे हैं तो आपका CDP होगा उसमें 30 नंबर का, 30 नंबर की आपकी मैथ हो जाती है और 30 नंबर की साइंस हो जाती है। ठीक, अगर आप साइंस मैथ सेलेक्ट करते हो तो 30 नंबर का मैथ, 30 नंबर का साइंस हो जाता है, और लैंग्वेज 1 हो जाता है 30 नंबर का, और लैंग्वेज 2 हो जाता है 30 नंबर का। तो इसमें लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 सेलेक्ट करना होता है, हिंदी और इंग्लिश होता है। जो कि अगर आप SST कर रहे हैं तो आपका 60 मार्क्स का SST हो जाते हैं, 30 नंबर का CDP हो जाएगा, 30 नंबर का आपका हो जाएगा लैंग्वेज 1, 30 नंबर का हो जाएगा आपका लैंग्वेज 2, और 60 मार्क्स का हो जाएगा आपका SST सोशल साइंस। तो इस तरह से 150 नंबर का, 150 क्वेश्चंस, 150 नंबर्स, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। तो ये सारी चीज़ें होंगी। आई होप सो कि आपके दिमाग में जो भी चीज़ें होंगी, जो भी डाउट है नोटिफिकेशन को लेके, ये सारी चीज़ें लेके, वो क्लियर हो गई होंगी। और जो न्यू बिगिनर्स हैं जिनको सीटेट के बारे में एकदम से बिल्कुल कुछ भी जीरो से नहीं पता है, मैंने सारी चीज़ें बहुत आसान भाषा में चीज़ों को एक्सप्लेन किया, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो इसीलिए अभी से जो अगस्त की प्रिपरेशन करने का सीटेट क्रैक करना चाहते हैं वो प्रिपरेशन अभी से कर दें, क्योंकि नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद बहुत कम समय होता है। तो इसीलिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए अगर आप एक अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। और जल्द ही हमारे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में इसी यूट्यूब चैनल पे आपको क्लासेस मिलने लगेंगी, बिल्कुल फ्री में, एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको सारी चीज़ें, CDP की अलग क्लासेस मिलेंगी। तो बहुत अभी भी मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्रैक किए हैं इस बार भी, इसके पहले वाला भी क्रैक किए हैं बहुत अच्छे मार्क्स के। तो इसीलिए मैं कहूँगा आप कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लासेस मिलेंगी, नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी। तो अगला जो वीडियो होगा हमारा सिलेबस पे होगा, पेपर 1 का, पेपर 2 का सिलेबस क्या होता है और हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आपके जो दिमाग में सिलेबस को लेकर डाउट है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बने रहिएगा चैनल पे, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।